यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है ना, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी आ गई है और ऊपर यहाँ पे एसी चल रहा है। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, राहुल भाई इतने जिद्दी आदमी है ना, भूख लग रही है। जो जेन्युइन ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो है ये। सॉफ्टनेस देखो, सॉफ्टनेस कितनी अच्छी तरह से खुल जा रहा है भैया। ये आपका वड़ा, वड़ा साउथ इंडियन में सर आपको जो मिलेगा सर, रवा इडली मिलेगा, राइस इडली मिलेगा, मेदू वड़ा मिलेगा और एक मसाला डोसा मिलेगा आपको। देखो करोल बाग आ रखे थे कुछ काम से, कुछ खाने का बढ़िया सा मन था तो इनके यहाँ सारी डिमांड है, लेकिन ये साउथ इंडियन बढ़िया से बेसिकली चीजें देते हैं। तो जो मेरा खाने का मन था ना वो है भैया साउथ इंडियन प्लेटर मैंने लगवाया, जिसका प्राइस जो है 159 रुपए है और GST लगा के 179 के सलमसम पड़ेगा। करोलों में ज्यादातर लोग जो है बच्चे UPSC वाले पढ़ने वाले आते हैं, तो वो लोग भी आते हैं प्लस फैमिली वाले लोग भी होते हैं। तो सब चीज हम खा पी के टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे एंड तक। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना। देखो भाई एम्बियंस यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है ना, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी आ गई है और ऊपर यहाँ पे एसी चल रहा है और आपको साफ सुथरा क्लीन यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल रहा है। यहाँ पे एम्बियंस बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे आपको आपको बढ़िया से बढ़िया पोर्ट्रेट लगा रखे आपके लिए, यहाँ पे ऊपर का देखिए आपके लिए लैम्प भी लगा रखे। पास है। भाई देखो सबसे बड़ी बात है ना, जब मैं करोल बाग से आ रहा था ना तो मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, राहुल भाई इतने जिद्दी आदमी है ना, या तो ये कह रहे थे कि भैया मेट्रो से चल लो, नहीं तो कह रहे थे गाड़ी से चल लो। और तीसरा इनको मैंने एग्जांपल जब दिया ना कि भैया काम करते हैं स्विगी जोमेटो वाला भी डिलीवर मारते हैं, तो पता है मेरे को क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे भाई तू भी काम कर ले। यार बताओ भाई, इज्जत पे बात आ रही है कि नहीं यार, हम लोग फूड ब्लॉगर है, देश के लिए सेवा कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई तेरे को काम अच्छा लग रहा है तो तू भी कर ले। मैं हूँ देश का नागरिक, बाइक स्कूटी पे पेट्रोल फूकेंगे भाई, खर्चा होगा, एनवायरमेंट के लिए खर्चा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। मैं गवर्नमेंट को बढ़ावा देता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए। प्लस धूप हो रही है, आपके बॉडी पे टैन वैन कम होगा, अच्छी बात है बुरी बात है, अब बताओ भाई। देखो मैंने तो जो मेरी बात इनसे हुई थी, इन्होंने बोला था एसी, एट लास्ट आज इनको एसी में ला के बिठा दिया। मुझे लग रहा है किसी बड़ी जो फ्रेंचाइजी होती है ना उस बराबर की है, आपको यहाँ पे लोग भी अच्छे मिलेंगे, अच्छे बिहेव करने वाले मिलेंगे, नीट एंड क्लीन मिलेगा और खाना एक बार हम टेस्ट करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। इतनी तारीफ बिना खाने का ही नहीं हो सकती है। खाना खाएंगे अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा बता देंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको बता देंगे एमबीएस अच्छा है, खाना ठीक ठाक है होगा। तो भाई आ गया आपका फूड, ये आ गया भाई आपका दूसरा चीज। भाई देखो आपकी दोनों चीजें आ गई है, ये आपका वो है घी रोस्टेड मसाला डोसा है, जिस भाई के पास मसाला डोसा है, प्लस आप कौन सी इडली थी, रवा इडली। भाई रवा इडली देखो, पैकिंग देखो, पैकिंग पैकिंग देखो, ये डोसे में सॉफ्टनेस कितनी अच्छी तरह से खुल जा रहा है भैया। भाई देखो भाप निकल रही है अलग, बढ़िया टेस्ट करके बताओ अब। और यार ये कौन सी थी आपकी चटनी, कौन सी चटनी थी ये वाली चटनी थी मालिक, पीनट चटनी, पीनट चटनी लो आप खाओ पहले तो खाओ। भाई मैं तो देखो दिल से अपने बताऊं, साउथ इंडियन डिश खा रखा नो डाउट, वीडियो में भी आप लोगों ने मेरे को देख रखा होगा और मैंने अपने रियल लाइफ में भी ना ये सारी चीजें खा रखी, एक आधी नहीं खा रखी, जैसे ये वाली आइटम थी ना भाई ये पहली बार खा रहा हूँ। अब राहुल भाई बताएंगे ये वाला आइटम इन्होंने खा रखा है कि नहीं खा रखा, और ये पत्तों में जिस तरीके से सर्व करके दे रहे हैं ना भाई, ये इसकी यूनिकनेस है। मैंने आपको बताया ना ये देखो कितना यूनिकनेस है आप, और एक चीज और बताता हूँ, ये जो सारा खाना आइटम आ रखा है ना मेरे भाई, ये आप अगर साउथ में जाते हो ना, तो अगर आप साउथ में चावल और दाल भी खाना है ना, तो वो केले के पत्तों पे सर्व किया जाता है। ये जो लोग मेरी वीडियो साउथ से देख रहे होंगे उनको ये चीज पता है, और यहाँ इस चीज के मेरे को खास अच्छा लगा कि प्रॉपर यहाँ डिमांडिंग जो है साउथ इंडियन डिश की है, लोग भी यहाँ आना पसंद करते हैं। और जो खाना सर्व किया गया ना वो मेरी प्लेट में आप देख सकते हो केले के पत्तों पे है,
जो की चीज ना भाई मुझे सबसे अच्छी लगी, भाई टेस्ट करके बताते हैं किस तरीके की चीजें हो रही है। भाई ये जो है ना नॉर्मल बहुत सारे लोग बनाते हैं, क्या नाम है ये सांभर, इनका ऑथेंटिक जो सांभर का टेस्ट होता है ना, मैंने खाया, मैं साउथ इंडियन स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का सांभर टेस्ट करा, इनका ऑथेंटिक टेस्ट है, जो जेन्युइन ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना वो है ये। भाई आप कलर देख, आप कलर देख के खुद कह सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें एक तरीके से डालने के लिए। मैं ये जो इसका जो टेस्ट है ना आपको क्रंच दिखाता हूँ, क्रंच आवाज सुनना इसकी, आवाज जो सुनोगे ना भाई देखो पापड़ की तरह टूट रहा है मेरे भाई, पापड़ खाते हो ना लिज्जत वाला जो पापड़ होता है उस तरीके से देखो क्रंची है। टेस्ट करके बताओ भाई ऑडियंस को किस तरीके का हो रहा है। इसका क्रंच ऊपर से भाई आमंड चटनी मजेदार अंदर की भाई डिश। ये देखो भाई ऊपर करके दिखाओ थोड़ा सा, अरे वाह दिखाओ थोड़ा सा भाई इसमें क्या क्या चीजें डाल रखी है एक बार बताओ अंदर से। भाई जो इसका फिलिंग है भाई राहुल भाई ये बताओ ये क्या है। ये आपका वड़ा, वड़ा मेरी नारियल चटनी हमेशा फेमस रहती है, जब तक मैंने इनकी बादाम चटनी नहीं खाई थी, लेकिन मेरी नई फेवरेट है भाई, आप इनकी आमंड चटनी खाओ बहुत ही टेस्टी है और जेन्युइनली लगेगा यार नॉर्मल चटनी ऐसी नहीं है, इसका टेस्ट यूनिक है, आपको लगेगा कि पूरा पूरा डोसा आप इसके साथ ही खत्म कर सकते हो बिना किसी चीज को टच करे भी। भाई बड़ा खाने के जो लोग शौकीन है ना, पहली बात तो मुझे, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो पैक कर दो, और आपको अगर साउथ इंडियन खाना है ना करोल बाग जैसे एरिया में, मैं कह रहा हूँ भाई इससे अच्छी कहीं दुकान ही नहीं मिल सकती। आपने स्ट्रीट पे खा लिया नो डाउट, आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, और आप सोच रहे होंगे ना भाई ये दो प्लेट लगी है तो कितना ज्यादा पैसों में, क्योंकि एम्बियंस देख के और आपको लग रहा होगा कि कितना ज्यादा प्राइस होगा, भाई प्राइस कहीं नहीं भाई मेरे हिसाब से ना, इससे यहाँ के एम्बियंस के इनको 1000 रुपए काटने चाहिए सिर्फ एम्बियंस के, जैसे आपका एम्बियंस है आपको प्रॉपर मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट वाली फील है, प्रॉपर 5 स्टार आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पार्किंग की जगह है, आप देखोगे एम्बियंस अच्छा है, स्टाफ है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए, सिर पे उन्होंने कैप पहनी है, और जो उनके क्या नाम है मतलब जो उनका प्रेजेंटेबल है, उनका प्रेजेंटेबलनेस है बहुत ही बढ़िया, मतलब A1 100 में से 100 पॉइंट्स बिल्कुल, और खाना भी बिल्कुल ऑथेंटिक वाली जो डिश होती है ना, आपको डोसा हो तीनों तरह की चटनी है, आपका ये कौन सी है रवा इडली है, नॉर्मल इडली है, आपका वड़ा है, सबका बिल्कुल जेन्युइन टेस्ट है, आप मेरे हिसाब से तो जरूर आओ भाई यहाँ पे। राहुल भाई देखो कि नहीं मजे से खा रहे हैं, पूरा बिजी है, ये कह रहे हैं कि ठीक है वीडियो बनाओ प्रिंस भाई आप, मैं अपना खा के एंजॉय करता हूँ, तो अच्छी बात है ना इस तरीके। भूख लग रही है भाई की, सबसे पहली बात तो मन्नत पूरी कर दी मैंने कि भाई को एसी में बैठना था 3-4 घंटे के लिए, नहीं तो मेरे को भाई आज की डेट में बता रहा हूँ मेरे को जीने नहीं देते, मैंने बोला भैया हाथ पैर जोड़ के भाई को पहले एसी में बिठा देते हैं 3-4 घंटे, तब जाके भैया सुकून में आएंगे, और भाई को देख सकते हो भाई के चेहरे पे खुशी किस तरीके। इनको ज्यादातर ना वैसे मैंने देखा है साउथ इंडियन डिश खाना पसंद है, इनके घर में भी साउथ इंडियन बनते हैं, हालांकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि इनके घर में कोई साउथ इंडियन है या इनके घर में किसी की शादी हुई है साउथ इंडियन से, लेकिन भाई को खाने का भी अच्छा पसंद है और घर में चीज भी अच्छी बनती है। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपके नियर बाय एरिया में कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, कोई अच्छा फूड कार्ट हो, वहाँ पे जो फेमस हो हम उनके कवर करें, आप चाहते हो उनका कवर करें, आप उसका एड्रेस डाल देना, उनका नाम डाल देना, और वहाँ पे आप आके वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर करो कमेंट करो और यहाँ पे जरूर आना, तब तक के लिए बाय।